देख सकते हैं नेशन लाइव एयरटेल के चैनल नंबर 352 और रिलायंस जियो टीवी पर। वहीं देश के कई राज्यों में नवजात बच्चों की मौत में मचे हंगामे के बीच राजधानी जयपुर भी अछूती नहीं है। बच्चों के सबसे बड़े जैकेलॉन अस्पताल में भी हालात बेहद खराब है, जहां गंभीर बीमारियों की जांच ऐसे लोगों के हाथों में जिन्हें मेडिकल लैब में काम करने का ना तो प्रशिक्षण मिला है और ना ही इस काम के लिए वो अधिकृत है। बावजूद ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से ऐसे लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस बेहद संवेदनशील काम में लगाया गया है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। चिकित्सा विभाग के नियमों के अनुसार अस्पतालों में संचालित टेस्टिंग लैब में लैब टेक्नीशियनों के पद पर जिन कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया जाता है वे न केवल डिग्रीधारी कर्मी होते हैं बल्कि उनका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से बतौर लैब टेक्नीशियन पंजीयन होना भी जरूरी है। लेकिन जेकेलोन अस्पताल में संविदा पर कार्यरत एक भी लैब टेक्नीशियन काउंसिल में पंजीकृत नहीं है, ऐसे में उनकी योग्यता पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। सवाल ये भी उठता है कि जब संविदा पर कार्यरत कर्मी काउंसिल में पंजीकृत नहीं है तो फिर उन्हें अस्पताल में संविदा पर नियुक्ति कैसे मिल गई और कैसे उनके नाम पर भुगतान किया जा रहा है। हमारे 20 लैब टेक्नीशियन लगे हुए संविदा पे, इसमें 15 तो जो है वो जितेंद्र गुप्ता के हैं और 5 जो है वो राठौर एक एजेंसी है उनके माध्यम से लगे हुए हैं। जेकेलोन अस्पताल में लैब टेक्नीशियनों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों पर ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। जिन गंभीर बीमारियों की जांच का काम इन कर्मचारियों से करवाया जा रहा है वे इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। अहम बात यह भी है कि इस बात की जानकारी अस्पताल प्रशासन को भी है लेकिन वह भी ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से ही संतोष कर रहे हैं। अलग अलग है, मतलब लैब टेक्नीशियन तो 10 है, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन 3 है, न्यूरोफिजियोलॉजी 2 है, ब्लड बैंक 6 हैं और बायोकेमिस्ट्री 5 है। मतलब ये ओवरऑल मतलब ये फिगर है। अगर इन्होंने कोई काम गलत किया है तो इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है और ये भी जांच का विषय है कि संविदा पर नियुक्ति के लिए किस तरह से कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है और ऐसे में ये लापरवाही बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ भी साबित हो सकती है। नेशन लाइव के लिए जयपुर से अरुण राज की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं नेशन लाइव एयरटेल के चैनल नंबर 352 और रिलायंस जियो टीवी पर।